हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकाउंटेंसी क्लास। तो जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे थे आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शेयर कैपिटल। अभी तक हम दो वीडियोस में बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, जैसे कि शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी था। आज हम अपना थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं कि जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, वो सब हम आज देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि उनका मीनिंग क्या होता है। कौन सी हैं वो दो टर्म्स? पहली है हमारी कॉल्ड अप कैपिटल और दूसरी है हमारी पेड अप कैपिटल। अब दोनों में ना ये एक जैसी लगती हैं कि कॉल्ड अप पेड अप सुनने में भी जैसा लग रहा था ना, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या मतलब है, देखो। अब जैसे लेट्स से कि कंपनी का एक शेयर है, उसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़। अब कंपनी 10 रुपये शेयर होल्डर से एक ही बारे में नहीं मंगवाती है, राइट? वो इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है कि एक बार 3 रुपये मंगवा लिए, फिर 4 रुपये मंगवा लिए। ये अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे मंगवाते हैं। अभी आप ये समझो कि इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मंगवाती है, एक साथ नहीं मंगवाती। अब कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? कॉल्ड अप का मतलब है वो अमाउंट जो कंपनी ने शेयर होल्डर से मंगवा लिया है। लेट्स से पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपये की थी, तो 3 रुपये मंगवा ली, तो वो 3 रुपये क्या हो गए? कॉल्ड अप। फिर 4 रुपये मंगवा ली, तो टोटल कितना कॉल्ड अप हो गया? 7 रुपये। तो जितना पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर से मंगवा लिया है वो होता है कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने मंगवा तो लिया, शेयर होल्डर्स ने दिया कितना? लेट्स से कि कंपनी ने शेयर होल्डर से मंगवाए 6 रुपये, है ना, लेकिन शेयर होल्डर्स ने अभी सिर्फ 5 रुपये ही दिए हैं, तो पेड अप कितना है? 5, कॉल्ड अप कितना है? 6। बात समझ में आई? आपके लिए मैंने कुछ मीम्स भी डाले हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आए। मुझे पता है मीम्स की लैंग्वेज जल्दी समझ में आ जाती है। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? देखो, कॉल्ड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स से जो पैसे मंगवाए, मैंने हिंदी भी लिखी हुई है, आपके लिए कुछ मीम्स भी डाले हुए हैं, लैंग्वेज भी बहुत ईजी कर दी है, और क्या चाहिए? आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। देखो, पेड अप कैपिटल का क्या मतलब होता है? अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर दैट इज द अमाउंट दैट द कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स अगेंस्ट द कॉल्ड अप। तो मैंने आपसे मंगवाए तो 5, लेकिन मुझे मिले कितने, वो होता है मेरा पेड अप। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? दोनों का टर्म समझ में आ गया, तो हमें बस इसका मीनिंग समझना था। क्यों? क्योंकि आगे क्वेश्चन में यूज होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना वहां पे, राइट? सो अब हम फाइनली क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। अब देखो होता क्या है। अब देखो क्या हुआ, ये है आपकी कंपनी। कंपनी तो याद है ना आपको, कंपनी का नाम तो नहीं भूल गए? ध्यान से याद रखना, कंपनी का नाम था CCW, कॉमर्स चाय वाला। अब मान लो कि कंपनी को कुछ पैसों की है ज़रूरत, कंपनी को पैसे चाहिए, एक्सपैंड करना है, गली गली में कॉमर्स चाय वाला खुलना चाहिए। अब क्या होगा? तो इन्होंने क्या किया होगा, ये है पब्लिक, ये तो आपको पता है, ये कौन है? जनता, ये पब्लिक है। तो ये क्या करते हैं, ये कंपनी जो है एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। ये आपको हमने लास्ट क्लास में बताया ही था, क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस, जिसमें वो क्या लिखा होता है कि देखो भाई मेरे कंपनी का शेयर है इस प्राइस का, ये मेरे कंपनी का शेयर का प्राइस है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दो और मेरे कंपनी के बन जाओ मालिक, शेयर होल्डर, ये सुनो। अब बात ये है कि सारे के सारे लोग कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हैं, क्या सब बोलेंगे हाँ जी मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो क्या उनको शेयर मिल जाएगा? नहीं ना। तो सबसे पहले इनको क्या करना होता है, सबसे पहले इनको कुछ पैसे देने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। अगर आपको कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई करना है कि भाई मुझे आपकी कंपनी का शेयर चाहिए, उसके लिए आपको एप्लीकेशन मनी देना होता है। लेट्स से कि आपने बोला मेरे कंपनी का शेयर है 10 रुपये का, कितने का? 10 रुपये का। आपने ये भी बता दिया कि अगर आप मेरे कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले 3 रुपये देने होंगे। क्या देने होंगे? 3 रुपये। इस 3 रुपये को हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। तो अगर आप चाहते हो कि कंपनी का शेयर आपको मिल जाए तो सबसे पहले आपको कंपनी को 3 रुपये देने होंगे, नहीं तो ऐसे तो सारे बोलेंगे भाई जो कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है उसको पैसे देने पड़ेंगे। अब जिन जिन लोगों ने कंपनी को एप्लीकेशन मनी दे दिया, अब कंपनी क्या करती है, कंपनी उनको क्या बोलेगी कि सुनो मैंने आपको शेयर क्या कर दिए हैं, अलॉट कर दिए हैं। क्या कर दिए? अलॉट कर दिए, मतलब अब पब्लिक को वो शेयर मिल चुके हैं। जैसे ही आपने एप्लीकेशन मनी दिया, 3 रुपये दे दिए, हाँ जी, अब वो आपको क्या करेंगे, कंपनी शेयर अलॉट कर देगी। जैसे ही वो शेयर अलॉट करेगी, उसके बाद कंपनी फिर से पब्लिक को बोलेगी कि हाँ जी मुझे चाहिए अलॉटमेंट मनी।
क्या चाहिए? अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी का मतलब क्या होता है? अलॉटमेंट मनी का मतलब है कि सुनो, मैंने आपको शेयर क्या कर दिया, अलॉट कर दिया। अलॉट मतलब मैंने आपको शेयर दे दिया है, मेरे कंपनी का शेयर आपको मिल चुका है, क्योंकि आपने मेरे कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई किया था, आपको मिल चुका है। उसके बाद कंपनी कहती है कि हाँ जी मुझे अब अलॉटमेंट मनी चाहिए। लेट्स से अलॉटमेंट मनी था 4 रुपये का, आपने 3 रुपये पहले एप्लीकेशन के दिए, अब कंपनी कह रही है कि मुझे अलॉटमेंट मनी चाहिए 4 रुपये का। अब क्या करोगे? अब पब्लिक फिर से कंपनी को देगी क्या? अलॉटमेंट मनी 4 रुपये देगी। क्या ये बात समझ में आपको आई? ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आपने एप्लीकेशन मनी दिया, बिल्कुल दिया। उसके बाद कंपनी आपसे अलॉटमेंट मनी मांगेगी, बिल्कुल मांगेगी। उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट और बचे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल। तो ये 3 रुपये बच गए। क्या बच गए? 3 रुपये जो ये बच गए, अब ये 3 रुपये कंपनी क्या करती है, आपको फोन करती है कि हाँ जी आपके 3 रुपये बचे हुए ना, 3 रुपये हाँ जी दे दो। 10 रुपये का शेयर था, कंपनी ने पहले आपसे एप्लीकेशन का पैसा मंगवाया, बिल्कुल मंगवाया। फिर आपको शेयर अलॉट कर दिए, और अलॉट करने के बाद आपसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, बिल्कुल मंगवाया, आपने वो दे दिया। अब लास्ट में जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी। क्या बोलते हैं? हाँ जी फोन करो, पैसे मंगवाओ। क्या होता है? कॉल मनी। ठीक है, आपको फोन करेंगे, 3 रुपये मंगवाएंगे और आप 3 रुपये दे दोगे। ये होता है पूरा का पूरा एक प्रोसेस। अभी हम ढंग से समझेंगे भी सही, मैंने आपको एक छोटा सा ब्रीफ दिया। अब हमें सीखना क्या है? हमें सीखनी है इसकी जर्नल एंट्री। आप कौन हो? आप फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। आपको अकाउंटिंग करनी है कंपनी की, CCW की आपको अकाउंटिंग करनी है। तो सीखना पड़ेगा ना दोस्त कि कैसे कैसे एंट्रीज होंगी, तो आज की क्लास में हम वही सीखने वाले हैं। देखो, ओके, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड अमाउंट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स। अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि कंपनी हमेशा जो शेयर की वैल्यू होती है, जो शेयर का अमाउंट होता है, वो शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है ना। जैसे मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन मनी में क्या लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। एप्लीकेशन मनी इज द अमाउंट दैट द शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द शेयर्स। जब भी आपको, आप कौन हो, शेयर होल्डर्स हो, अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, तो पहले आपको क्या देना होगा? एप्लीकेशन मनी। बेसिकली अगर आपने देखा हो कि टोकन मनी होती है ना, कि अगर मान लो कुछ भी आपको कोई प्रॉपर्टी बुक करानी है, तब भी आपको वहाँ पे टोकन मनी देनी होती है। अगर आपको अपनी स्कूल की ट्रिप पे जाना होता था, तो आप अपनी एक एडवांस पेमेंट करते थे। सिमिलरली अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करने हैं, तो पहले आपको कुछ एडवांस में देना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। ठीक है, इफ द शेयर होल्डर वॉन्ट्स टू सब्सक्राइब और बाय द शेयर ऑफ द कंपनी, ही इज रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन मनी। हमने पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो ध्यान से। एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू प्राइस। क्या मतलब है? देखो, इशू प्राइस का मतलब क्या है? जिस प्राइस पे कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है, जिस प्राइस पे कंपनी शेयर होल्डर्स को बोलती है कि हाँ जी ये मेरे शेयर का प्राइस है, इस पे खरीद लो, राइट? जैसे हमारे केस में क्या था, हमारे केस में था 10 रुपीज, ये क्या है, इशू प्राइस, राइट? अब आपको बोला क्या गया है, जो आपकी एप्लीकेशन मनी होती है ना, वो इशू प्राइस का मिनिमम 25% तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं हो सकता। तो अगर 10 रुपीज का इशू प्राइस है, तो एप्लीकेशन मनी कम से कम 2.5 रुपीज तो होगी। बात समझ में आ गई? देखो, एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25%। एग्जाम्पल क्या है, इशू प्राइस अगर 100 है, तो एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन 25, कम से कम 25 तो होगी, राइट? नेक्स्ट आता है आपका अलॉटमेंट मनी। अब एप्लीकेशन मनी जब शेयर होल्डर दे देता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कंपनी उसको शेयर्स अलॉट कर देती है। अलॉट मतलब कि ट्रांसफर कर देती है कि हाँ जी हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, ये लो रख लो। ठीक है, अब जैसे ही आपको शेयर्स मिलते हैं, कंपनी आपको क्या बोलेगी कि सुनो अब मेरे को अलॉटमेंट का पैसा दो। क्या दो? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब क्या है? अलॉटमेंट का मतलब है कि आपको कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, राइट? और बाकी जो ये 3 है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स के नाम है। अलॉटमेंट मनी मतलब अलॉट करने के बाद जो आपसे पैसा कंपनी मांग लेगी। देखो, आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन मनी, कंपनी अलॉट्स द शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स और द मेंबर्स। एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स ट्रांसफर कर देगी, अलॉट कर देगी। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, द कंपनी कॉल्स अप द अलॉटमेंट मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। जब वो शेयर होल्डर को शेयर्स ट्रांसफर कर देगी, उसके बाद वो मांगेगी आपसे अलॉटमेंट मनी, राइट? उसके बाद देखो कॉल मनी। कॉल मनी का मतलब जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है। अब क्या होगा, आपको शेयर अलॉट हो चुके हैं, अलॉटमेंट का पैसा आपने दे भी दिया, उसके बाद अब जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं कॉल मनी। अब कंपनी आपको कॉल करेगी, हाँ जी आपके शेयर की वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, जरा फटाफट से भिजवा दो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी। ठीक है, देखो, आफ्टर रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को दे दिया है। रिमेनिंग अमाउंट, जो भी अब रिमेनिंग अमाउंट है, जैसे यहाँ पे अगर 10 रुपये का शेयर था,
3 रुपीज एप्लीकेशन, 4 रुपीज अलॉटमेंट, जो भी पैसा बच गया वो कहाँ आएगा आपका, कॉल मनी में. बिल्कुल सही. इज कॉल्ड अप बाय द कंपनी. कॉल मनी कैन बी कॉल्ड अप इन वन और मोर इंस्टॉलमेंट्स. मतलब क्या है कि लेट्स से कि जैसे यहाँ पे 3 रुपये बच गए थे, अब ये कंपनी की मर्जी है कि भाई वो 3 रुपये आपसे इकट्ठे मंगवाए, या हो सकता है 1 रुपये 2 रुपये ऐसे कर करके मंगवाए, राइट? कि आपको कॉल वो पहली बार करे, फर्स्ट कॉल बोलते हैं उसको, ठीक है, फर्स्ट कॉल करे कि हाँ जी मुझे 1 रुपये दे दो, ठीक है, 3 रुपये पेंडिंग थे लेकिन आपसे मांगे कितने, 1 रुपये दे दो. उसके बाद कंपनी आपको दोबारा कॉल करेगी, जिसको मैं क्या बोलूँगा, सेकेंड कॉल, हाँ जी 2 रुपये बचे हुए हैं, 2 रुपये दे दो. बात समझ में आई कि आपको वही लिखा हुआ है कि वो या तो एक ही इंस्टॉलमेंट मंगवा लेगी या वो एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स में भी मंगवा सकती है. इफ़ ओनली वन कॉल इज मेड देन इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अगर एक ही कॉल में आपसे पैसा मंगवा लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल. फर्स्ट मतलब पहली कॉल और फाइनल मतलब इसके बाद और कोई पैसा पेंडिंग नहीं है. लेट्स से कि अगर पेंडिंग होता तो क्या होता, सिर्फ फर्स्ट कॉल, और उसके बाद जब मैं दोबारा कॉल करता, जब कंपनी आपको दोबारा कॉल करती उसको वो क्या बोलती, सेकेंड एंड फाइनल कॉल. तो जो भी वो आपकी लास्ट वाली जो कॉल होगी ना, उसमें आप क्या ऐड कर दोगे, फाइनल कॉल. देखो, एंड इफ मोर कॉल्स आर मेड देन ऐड द फाइनल कॉल इन द लास्ट कॉल इंस्टॉलमेंट. वही बोला उसने. अब यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 month गैप बिटवीन द इंस्टॉलमेंट्स. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी ने आज आपसे मांग लो एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, अब 2 दिन बाद कह रही है हाँ जी अलॉटमेंट का पैसा दो, हाँ जी 3 दिन बाद कह रही है कॉल का पैसा दो. नहीं, ऐसा थोड़ी भाई. इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि कुछ तो टाइम पीरियड दोगे ना, तो वो टाइम पीरियड कितना है, कम से कम 1 महीना. अगर मान लो 1 अप्रैल को आपने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो एटलीस्ट 1 मई से पहले कंपनी आपसे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मांग सकती. बात समझ में आ गई, राइट? ये तो हो गई थोड़ी बहुत थ्योरी, जो पता होना ज़रूरी है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल क्या होता है. देखो, ओके, सो अब देखो आपके सामने एक फ्लो चार्ट होगा, राइट? ये फ्लो चार्ट आपने कभी पहले देखा नहीं होगा. ये फ्लो चार्ट क्या है, मैंने आपको पूरा एक छोटे से फ्लो चार्ट में समझाया कि आपको जर्नल एंट्रीज करनी क्या होती है, जर्नल एंट्रीज का फ्लो कैसे होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में. देखो कैसे होता है, क्या पूरा फ्लो होता है, ध्यान से समझो. सबसे पहले मैंने आपको बोला, सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई आपको, तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन जो होती है वो क्या होती है कि शेयर होल्डर कंपनी को एप्लीकेशन मनी देते हैं. तो कंपनी को जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है उसकी होगी आपकी फर्स्ट एंट्री. क्या एंट्री होगी, आराम से तसल्ली से देखेंगे, ठीक है? अब देखो, जो कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, एप्लीकेशन मनी का मतलब मैंने आपको क्या बोला कि भाई वो एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट है बस, यस और नो? मेन पार्ट आपका क्या है, आप शेयर होल्डर से क्या मंगवा रहे हो, शेयर कैपिटल. हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो शेयर होल्डर से पैसा मिलता है. तो इन टोटल जो भी शेयर होल्डर से पैसा मिलता है वो है तो शेयर कैपिटल, सिर्फ मैंने उस शेयर कैपिटल को इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, राइट? तो सबसे पहली एंट्री आपने करी, हाँ जी आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई. दूसरी एंट्री में क्या करता हूँ, दूसरी एंट्री में करता हूँ, जो भी मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है वो अब मैं अपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि मेरा है क्या, वो है तो मेरा शेयर कैपिटल ना. एंट्री क्या होगी अभी देखेंगे, ठीक है? तो क्या करूंगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. वो एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएगा. मैंने आपके लिए हिंदी भी लिखी है, आराम से समझ में आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या था, शेयर होल्डर्स अप्लाई करने के लिए कुछ अमाउंट पे करेंगे, और वो एप्लीकेशन अमाउंट जो आपने मुझे पे किया है वो मेरे शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाएगा. ईजी है. उसके बाद मैंने आपको बताया क्या होगा, उसके बाद होगा कि कंपनी आपको शेयर अलॉट कर देगी. अब उसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें कोई मनी एक्सचेंज तो हुआ ही नहीं, पैसे का लेन देन नहीं हुआ ना भाई. तो मैंने आपको क्या किया, कंपनी ने आपको क्या किया कि आपको शेयर अलॉट कर दिया. जैसे ही शेयर अलॉट करते हैं, कंपनी आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी. हाँ या ना, अभी समझा? तो थर्ड क्या होगा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. शेयर्स अलॉट करने के बाद शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का अमाउंट मांगा जाएगा. समझ में आ गया? जैसे ही मैंने आपको शेयर अलॉट किया, आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा. फोर्थ क्या होगा, अब आप जो शेयर होल्डर हो वो मुझे पैसे दोगे. सिंपल सी बात है ना भाई, मैंने पैसे मांगे हैं तो पैसे दोगे भी तो सही. तो फोर्थ ट्रांजेक्शन हो जाएगी अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो गया किससे, शेयर होल्डर से. ईजी है. पूरा फ्लो अगर आप देखोगे तो बहुत आसान लगेगा आपको, ठीक है? उसके बाद अगेन जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो मांगूंगा मैं आपसे. कंपनी आपसे लास्ट इंस्टॉलमेंट मांगेगी, और लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी क्या थी, कॉल्स. तो रिमेनिंग अमाउंट जो भी है अब शेयर होल्डर से कॉल करके मंगवाई जाएगी. मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज में हिंदी में आपके लिए लिखा है, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा.
नोट्स मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स, रिमेनिंग अमाउंट आप शेयर होल्डर से मांगोगे, आपसे मैंने कॉल्स का पैसा मांगा और लास्ट में मुझे कॉल्स का पैसा आपसे मिल जाएगा, बस यही करना है। तो टोटल आप देख रहे हो 6 ट्रांजेक्शन्स होने वाली है, 6 एंट्रीज आपको करनी है और क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, वो एप्लीकेशन का पैसा आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे क्योंकि वो आपका शेयर कैपिटल का पार्ट है। अलॉटमेंट का पैसा आप मांगोगे, बिल्कुल मांगोगे, फिर आपको अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, बिल्कुल, फिर आप कॉल का पैसा मांगोगे, हाँ जी, और आपको कॉल का पैसा मिल जाएगा, बात खत्म। शेयर आपके पास पहुंच चुके हैं, मुझे पैसा मिल चुका है, बस और कुछ तो करना ही नहीं है, समझ में आया। देखो अब देखते हैं कि एंट्रीज क्या होगी। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है, अब देखो जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स वो हो सकते हैं दो तरीके से इशू। कैसे दो तरीके से इशू? एक होता है एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है, मान लो हमने पढ़ा था कि फेस वैल्यू क्या होती है, कंपनी की फेस वैल्यू। अगर कंपनी उसी फेस वैल्यू पे आपको शेयर दे रही है, कंपनी की फेस वैल्यू का मतलब क्या होता कि उसने एक फेस वैल्यू डिसाइड कर ली जो अपने बुक्स में वो रिकॉर्ड करती है, ठीक है, कि 10 रुपये। कंपनी को लगता है कि उसके कंपनी के शेयर 10 रुपये के ही हैं, और अगर वो 10 रुपये के ही आपको दे रही है, उसको मैं बोलता हूँ कि इशू ऑफ शेयर्स एट पार। एट पार कि आपने फेस वैल्यू पे ही इशू कर दिया। दूसरी चीज क्या होती है कि भाई मान लो फेस वैल्यू जो है वो तो 10 रुपये की है, लेकिन कंपनी को लगता है कि यार मेरी कंपनी का शेयर कम से कम 25 रुपये का है, या मान लो 20 रुपये का है, मतलब 10 रुपये से ज्यादा का है, तो वो आपको अगर अपने फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर रही है, उसको मैं बोलता हूँ कि इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर आपको फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू कर रही है तो वो क्या है, एट प्रीमियम। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं, आज हम कवर करने वाले हैं कि हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, कौन से केस में इशू ऑफ शेयर्स एट पार में, उसके बाद प्रीमियम भी कर लेंगे। देखो ध्यान से देखो, ठीक है, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया, आराम से समझो। एग्जांपल क्या है कि CCW लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। जब ये लिखा आ गया कि CCW लिमिटेड, कॉमर्स ट्राइवर लिमिटेड, आपको 1000 शेयर इशू कर रहा है एट पार, ठीक है, पार का मतलब 10 रुपये का फेस वैल्यू, 10 रुपये पे इशू कर रहा है, बिल्कुल। अब जैसे आपको पता है कि 10 रुपये वो आपसे एक साथ तो नहीं मंगवा रहा, आपसे इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहा है, तो अब आपको मेंशन होगा कि कौन सी इंस्टॉलमेंट पे वो कितना पैसा मंगवाएगा, कौन सी इंस्टॉलमेंट पे कितना पैसा मंगवाएगा। जैसे कि आपको बोला है एप्लीकेशन पे आपको 3 रुपये देने हैं, मैंने यहाँ पे आपके लिए एक चार्ट बना रखा है कि 10 रुपये को उसने कैसे डिवाइड किया, 3 रुपये की एप्लीकेशन है, 4 रुपये की अलॉटमेंट है और 3 रुपये है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 10 रुपये का आपको ऐसे डिवाइड करना है कि भाई 3 की एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट 4 की और फिर 3 रुपये की कॉल। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो जर्नल एंट्रीज होगी कैसे, ध्यान से देखो। अब देखो ये 6 के 6 स्टेप्स जो मैंने आपको बताए थे, उन 6 के 6 स्टेप्स की एंट्री होगी, ठीक है। एक ही करके देखते हैं कि एंट्री कैसे होने वाली है। सबसे पहले आपको पता क्या होगा, सबसे पहले आप जो शेयर होल्डर हो वो कंपनी को एप्लीकेशन मनी दोगे, तो कंपनी को सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, तो पहली एंट्री होगी ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एंट्री क्या होगी देखो, ध्यान से देखो अब, ठीक है। एंट्री क्या होगी कि भाई कंपनी को पैसा मिला है, कंपनी को पैसा मिला है, मतलब उसके बैंक अकाउंट में पैसा आया, कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, उसके बैंक अकाउंट में पैसा आया। कितना आया, बहुत सिंपल सी बात है, देखो उसने कितने शेयर इशू करे थे, कंपनी ने शेयर इशू करे थे 1000, कितने 1000, एप्लीकेशन मनी कितने का था, 3 रुपये का, तो कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा, ऑब्वियसली 3000। 1000 शेयर्स, एक शेयर पे 3 रुपये की एप्लीकेशन मनी, तो टोटल एप्लीकेशन मनी कितने की हो गई, 3000 रुपीज़ की। देखो बैंक अकाउंट आपने डेबिट किया कितने से, 1000 × 3, 3000 से आपने डेबिट कर दिया, बिल्कुल कर दिया। और ये जो कंपनी को अमाउंट रिसीव हुआ है वो किस चीज़ का है, वो है शेयर एप्लीकेशन का। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3000 रुपीज़, सिंपल एंट्री। क्या आपको बात समझ में आई? अब ध्यान से मेरी एक बात सुनना कि जो ये शेयर एप्लीकेशन है वो सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट है। क्या है? इंस्टॉलमेंट का नाम है। एक्चुअली में जो 3000 रुपीज़ ये आपके हैं वो कंपनी का शेयर कैपिटल का पार्ट है। शेयर कैपिटल मतलब वो अमाउंट जो शेयर होल्डर से उन्होंने रेस किया है, जो शेयर होल्डर से उनको मिला है वो शेयर कैपिटल है। इट्स जस्ट बिकॉज कि आपने इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाया है तो आप इंस्टॉलमेंट का पैसा दिखा रहे हो कि आपको एप्लीकेशन मिला, हाँ जी मिला, तो आपने एप्लीकेशन अकाउंट बनाया। अगर मैं आपको बताऊं एक्चुअली में है क्या ये कैपिटल का पार्ट, जैसे मान लो आपने 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करी थी, अगर ओनर बिजनेस में पैसा लगाता था तो उसकी एंट्री क्या होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां पे भी मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि अभी भी वही एंट्री हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट यही होगी। देखो अब क्या होगा, जैसे ही कंपनी को ये 3000 रुपीज रिसीव होंगे, ये 3000 कंपनी ट्रांसफर कर देगी अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में।
क्या लिखा मैंने, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन द डेट ऑफ शेयर अलॉटमेंट। क्या होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, हाँ जी हुआ। अब क्या करती है कंपनी, कंपनी उसके बाद शेयर्स अलॉट करती है। यस, जिस दिन कंपनी ने आपको शेयर अलॉट कर दिए, उस दिन जो भी पैसा आपसे मिला था वो कंपनी के शेयर कैपिटल का पार्ट बन जाता है। एप्लीकेशन मनी क्या करूंगा मैं, अब शेयर कैपिटल का पार्ट मानूंगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको पता है कि जब भी कंपनी अपने कैपिटल में कोई भी पैसा डालती है वो क्रेडिट होता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में आप करते थे कैश टू कैपिटल, वही एंट्री है। देखो यहां आपने क्या किया, यहां आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को किया क्रेडिट, यहां आपने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को किया डेबिट। तो भाई वो तो खत्म ही हो गया, एक जगह आप इसको कर रहे हो क्रेडिट, एक जगह आप इसको कर रहे हो डेबिट। तो एक्चुअली में बच क्या गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ है ना, मेन एंट्री तो हमेशा यही होगी कि बैंक टू कैपिटल, वही होने वाली है यहां पे भी। यहां पे सिर्फ क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स आ गई है तो आप इंस्टॉलमेंट्स दिखा रहे हो, क्योंकि आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रिसीव हो रहा है। नेट इफेक्ट आपका वही रहेगा, बैंक टू कैपिटल चेंज नहीं होगा। 11th में जो आप पढ़ कर आए हो वो वही का वही चलेगा आगे भी। क्या आपको बात समझ में आई? तो मैंने आपको क्या बोला, ये एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है, कि आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिखाओगे ही नहीं, एग्जाम में आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा प्रोसेस है जो कंपनी को करना होता है, ठीक है। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट वही है जो प्रॉपरली अकाउंटिंग करे। ओके, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपने क्या किया, यहाँ क्रेडिट किया, उसको जब ट्रांसफर करोगे तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 3000 रुपीज। ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या होता है भाई, मैंने अलॉट कर दिए शेयर्स, हाँ जी कर दिए। अब मैं आपसे शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगता हूँ, क्या करता हूँ, शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगता हूँ, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा मैंने ड्यू कर लिया कि अब मुझे आपसे अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। उसकी एंट्री क्या है कि आप शेयर अलॉटमेंट को करोगे डेबिट और उसको अपने शेयर कैपिटल में कर दोगे ट्रांसफर। क्योंकि अब देखो, अब मुझे पैसा मिलना ही है अपने कैपिटल में, शेयर कैपिटल में पैसा तो मिलना ही है। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको शेयर्स ट्रांसफर कर ही दिए हैं, आपको शेयर अलॉट कर ही दिए हैं। जब आपको शेयर्स मिल चुके हैं तो आप शेयर का पैसा दोगे या नहीं दोगे? ऑब्वियसली बात है दोगे। क्या आपको बात समझ में आई है? ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री। इंस्टॉलमेंट कौन सी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, उसको मैंने किया डेबिट और वो मैंने क्या कर दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। अपने कैपिटल को इंक्रीज करा, क्यों करा है, क्योंकि मुझे अब शेयर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, राइट। अब अलॉटमेंट कितने की थी, 4 रुपीज की, 1000 शेयर्स थे तो 4000 से आपका हो गया डेबिट और क्रेडिट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, किस चीज की एंट्री है, अमाउंट ड्यू होने की। अब अमाउंट ड्यू तो हो गया, मुझे रिसीव भी तो होगा, शेयर होल्डर मुझे पैसा देंगे भी तो सही। तो नेक्स्ट है अलॉटमेंट के पैसा मिलने की एंट्री। ये बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यस और नो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो पैसा मुझे मिला है किस चीज का मिला है, अलॉटमेंट का मिला है, अलॉटमेंट मैंने कर दिया क्रेडिट, ठीक है, कितने से, 4000 से, सिंपल है, यस और नो। उसके बाद क्या होगा, अब मैं आपसे कॉल का पैसा मांगूंगा, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, अगेन वही एंट्री। जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है, कौन से इंस्टॉलमेंट है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल आपने यहाँ लिख दी डेबिट, कितने से, 3000 से, और अपने शेयर कैपिटल का पार्ट आपने बना लिया। देखो भाई, जितना भी ये पैसा मिलना है वो सारा का सारा जाना तो कहाँ है, आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में। मेन चीज़ तो वही है, जितने भी ये इंस्टॉलमेंट वाले अकाउंट है ये बहुत टेम्परेरी है, अगर एक जगह डेबिट हुए तो दूसरी जगह वो क्रेडिट भी होंगे, वो खत्म हो जाएगा, ये सुनो। तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 3000 रुपीज, और उसके बाद आपको अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, देखो ऊपर जब आपने शेयर एप्लीकेशन किया था, क्रेडिट डेबिट ये खत्म हो गया था, बचा क्या था, बैंक टू कैपिटल। अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट क्रेडिट ये भी खत्म हो गया, बचा क्या, बैंक टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल क्रेडिट, बचा क्या, बैंक टू शेयर कैपिटल। नेट इफेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो नेट इफेक्ट आपका क्या होगा, बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे कितने से, 1000 शेयर्स है और आपका 10 रुपीज का एक शेयर है, तो आप 10000 से टोटल बैंक में पैसा डाल रहे हो और ये आपका बन रहा है शेयर कैपिटल का पार्ट। तो टू शेयर कैपिटल 10000, पूरे की पूरी 6 एंट्रीज का नेट इफेक्ट यही है। अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही हुआ है, बस इस एंट्री को अब आपने एक्सपैंड किया है। क्यों? क्योंकि अलग अलग डेट पे आपको पैसा मिलेगा, ये सुनो। और आपको पता है कि आप जर्नल करते हो डेट वाइज, तो जिस दिन जिस अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, उस दिन आप उसकी एंट्री करोगे।
समझ में आया? बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो आपने वो बैंक में डाल दिया, उसके बाद वो एप्लीकेशन आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, फिर आप अलॉटमेंट का पैसा मांगोगे तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल का पैसा मांगोगे तो फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और जब मिलेगा तो बैंक टू शेयर कैपिटल। बहुत ही सिंपल है, यस और नो? ऐसे आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? कोई आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग के प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर प्रीमियम होता है तो क्या होता है। सो आई होप आपको एंट्रीज का लॉजिक समझ में आ गया होगा। आज क्लास का मोटिव क्या था कि भाई एंट्रीज होनी कैसे है, उसका फ्लो कैसे होता है। उसके बाद अगर आपको एक बार फ्लो समझ में आ जाएगा फिर तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो, प्रीमियम हो जो मर्जी हो आगे, राइट? याद नहीं करना, हमें पूरा एक फ्लो समझना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। ओके देन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।